What's up guys, welcome to my another video. तो guys ये ना कोई vlog होने वाला है और आज की वीडियो में आपको कोई vlog नहीं दिखाने वाला मैं अपना। आज की वीडियो एक tech की वीडियो होने वाली है जो कि iPhone 14 के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। So guys बिल्कुल इंडस्ट्रियल में मैंने लिया है एक iPhone 14, एक नहीं दो लिए हैं। तो गाइस आज मैं आप लोगों को iPhone 14 के रिव्यू करने वाला हूं जो मैंने बिग बिलियन डेज सेल में मंगाया फ्लिपकार्ट की में। तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं। सो ये है iPhone 14 स्काई ब्लू। वहां पे आया था तो उनको सामने ही अनबॉक्स करना पड़ता है कि वीडियो बना के, तो इस वजह से वहीं पे अनबॉक्स होगी तो उसी टाइम वहीं जाके मैंने इस पर टाइम पैड कवर मेमोरी वगैरह सब वहीं चलवा ली थी। हाँ जी, तो गाइस हमने iPhone 14 मंगाए थे दो, एक पर्पल एक ब्लू कलर में फ्लिपकार्ट वाली बिग बिलियन डेज सेल में। तो भाई हम पे सबर नहीं हो रहा, वो आएगा हमारा कल यानी कि 10 अक्टूबर को और आज है 9 अक्टूबर। तो मैं जा रहा हूँ फ्लिपकार्ट के हब पर, यहाँ पर ई कार्ट का नियरेस्ट वो कुरियर है तो वहाँ पे आते सब। तो उस भाई का कल मैं जाकर नंबर लेकर आता, उन्होंने कल नहीं दिया मुझे। कल मेरा पार्सल एक फ़ोन तो आ गया था और एक फ़ोन मेरा आज आ गया वहाँ पर। तो मैं जा रहा हूँ भाई, अपना ऑर्डर एक फ़ोन मिल रहा है फिलहाल, एक मिलेगा कल क्योंकि उसकी डेट कल की है, वो दे नहीं रहे, बोल रहे भाई कल लिखे तो कल दे देंगे। उसकी वजह से जिसको लेने के लिए जा रहा हूँ उसकी भी कल लिखी है पर उसको वो दे रहे हैं क्योंकि भाई इसमें एक्सपेक्टेड नहीं लिखा डेट, उसमें एक्सपेक्टेड डेट 10 अक्टूबर लिख रही है। तो भाई मैं जा रहा हूँ अपना आईफोन 14 लेने के लिए, वो पर्पल कलर का, वो मोहित का, ब्लू कलर का मेरा, कोई बात नहीं मैं कल ले लूँगा। मोहित को अपना डाटा ट्रांसफ़र करना है, इस वजह से मैं तो अपने फ़ोन को रीसेट ही मारूंगा भाई, मैं तो न्यू सिम लूँगा क्योंकि उस हैकर की वजह से भाई बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था, मैं कुछ भी कोई गलती नहीं करना चाहता। तो मैं जा रहा हूँ गाइस, आपको दिखाता हूँ आगे और फ़ोन लाता हूँ, फ़ोन की अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ आप लोगों को, मिलते हैं ब्लॉग में आगे। स्टार्ट हुई थी तो बज रहे थे रात के 12, हमने कोशिश करी खूब, तो भाई 50 का आ रहा था। उसके बाद डिस्काउंट वगैरह करते इस पर फिर इतनी देर में और उसमें बहुत ज़्यादा, एक आईफोन 14 ऑर्डर कर दिया बिग बिलियन डेज सेल में, अफसोस हम ज़्यादा डिस्काउंट नहीं ले पाए, बढ़ गया 55,098 रुपये का ये है और 2,000 रुपये हमारे और फालतू लग गए कार्ड की वजह से। एरर आ रहा था बार बार, 52,000 का हुआ, 53,4,5, उसके बाद भाई जैसे जैसे कार्ड लगाए दो जैसे करके जब, और मतलब कि हमने एक दिन पहले कर रखा था, प्राइम ले रखा था हमने अमेजोन प्राइम का और फ्लिपकार्ट प्लस ले रखा था, तो प्राइम पे तो 13 था, 13 तो हमारे पास पहले थे तो वो भी बेच दिए। तो भाई जब 14 थे तो वो करे, उसके बाद उस पर ICICI का कार्ड नहीं लग पाया, एस बी आई का कार्ड और HDFC से लिया हमने, तो जब जाके हमने दो फोन पड़े। जैसा कि आप गाइस देख पा रहे हैं हमने ये दो फोन ऑर्डर करे हैं अभी, iPhone 14 ब्लू कलर में और iPhone 14 पर्पल कलर में, ये बिग बिलियन डेज सेल में हमने ऑर्डर करे हैं अभी। इसका प्राइस दिखा देता हूँ आपको, ये 55,098 रुपये का पड़ा है हमको एक फ़ोन और ये हमारा 9 अक्टूबर तक आ जाएगा। ये दो फ़ोन करेगा इस हमने सेल में और दो हमारे पास 13 है तो हमने अब दो 14 करेगा इस। सो गाइस अब ये वीडियो शूट हो रही है मेरे आईफोन 14 पे 4K 30 FPS पर, तो अब मैं आपको बताता हूँ पहले जिस दिन मैंने फ़ोन ऑर्डर किया गाइस उसके बाद मैं गया, मेरे पे वेट नहीं हुआ डिलीवरी बॉय के यहाँ तक आने तक, तो भाई मैंने फ्लिपकार्ट का हब ई कार्ट लॉजिस्टिक्स ढूंढा, उसके बाद मैं पलवल में गया अपने ई कार्ट लॉजिस्टिक्स के ऑफिस पर गया, वहाँ पे जाके मैंने टाइम से पहले मुझे नहीं मिला फ़ोन, मैं गया ठीक है नहीं मिला क्योंकि उन्होंने बोला था जिस दिन डिलीवरी डेट है उस दिन मिलेगा, मेरा पैकेज आया पड़ा था मुझे नहीं मिला। उसके बाद जो दूसरा था पर्पल कलर का वो आने वाला था, उसके बाद भाई मैं फिर दोबारा वहाँ पर गया। ये मोहित वाला आया, मोहित दिखा फ़ोन, iPhone 14 का। तो मोहित कैसा लगा अब तक का iPhone 14 का एक्सपीरियंस? सही लगा, बढ़िया। देखिए गाइस ये मोहित का नया पर्पल कलर का आईफोन, यहाँ क्या मजा आया, ऑन करके दिखा दे, पीछे से दिखा दे, देखिए 14 वैसा ही था है, वैसा ही है पर 14 है महंगा हुआ था। और अभी वाप पूछो मैंने राजमंडल पर,
करे 66,000 रुपया का हो। मैंने कि हमने तो उसमें मंगाया था गुड इंडिया सेल 56,000-57,000 का। तो गाइस बूट हो रहा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डाटा केबल आई, एक नई सीट है, लाइटनिंग केबल, सिम रिजेक्टर टूल बस, और ये सिम रिजेक्टर टूल बस, और कुछ नहीं देता है पलंग। जब मैं गया दोबारा, उन्होंने बोला कि आपका जो आईफोन 14 ब्लू कलर में आपकी 10 तारीख की 10 अक्टूबर की डेट है, तो आपको जल्द मिलेगा। तो उसके बाद भाई मैं 10 अक्टूबर को गया, तो सुबह सुबह उस लड़के के पास कॉल करी जिसका मैं नंबर लेकर आ गया था दिल्ली बॉय का। उसके बाद भाई मैं गया, तो उन्होंने जब जाकर मुझे फ़ोन दिया, तो जब मैंने तुरंत ही उनके सामने अनबॉक्स किया था। फ्लिपकार्ट गुड इंडिया सेल में 56,000 रुपए का। हाँ तो गाइस मैंने आईफोन 14 मंगाया, ये मेरा भी आ चुका है। भाई ने बैड टाइम से पहले दे दिया मुझे, नहीं तो शाम तक मिलता मुझे ऑर्डर। ये मेरा आईफोन 14 आ गया भाई। उसी दिन मैंने दोनों फोन पर टेम्पर वगैरह सब चढ़वा दिया। तो गाइस अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने पापा के आईफोन 13 से। ये देखिए ये है फोन, इसकी आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस मेजर फर्क नहीं है कुछ भी ज़्यादा, बैक सेम है, फ्रंट सेम है, बॉडी बिल्कुल सेम है दोनों फोनों की, 14 की भी और 13 की भी। कैमरा क्वालिटी में थोड़ा फर्क है, देखिए सिनेमैटिक में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसमें सिनेमैटिक में ऊपर 4K कर दिया गया, यहाँ पर 4K आ गया और इसमें 4K नहीं है। चलिए आपको थोड़ी अपनी वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए 4K में थोड़ा फर्क है, पिक्चर क्वालिटी थोड़ी और अच्छी हो जाती है। देखिए गाइस कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है, कितनी अच्छी फोटो आ रही है गाइस। चलिए अब दोनों फ़ोनों की क्वालिटी दिखाता हूँ आपको। गाइस लेफ्ट साइड में हमारे आईफोन 14 और राइट साइड में है हमारे आईफोन 13। देखते हैं दोनों में कितनी क्वालिटी का फ़र्क है। तो गाइस ये आज की मेरी वीडियो थी, आपको मैं बताया था कि बिग विंडेज सेल में मैंने कैसे आईफोन 14 परचेज करा और कितने का करा और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स हुई उसमें। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, जय हिंद।